यहाँ राजधानी भोपाल में सैनिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले थल सेना, वायु सेना और नौसेना के उपकरणों और हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई है। यहाँ DRDO के बनाए गए टैंक और उपकरण भी मौजूद हैं, जिसमें लेजर गाइडेड मिसाइल सिस्टम के साथ डिफेंस सिस्टम तक शामिल है। यहाँ लोगों को एयरफोर्स से संबंधित जानकारी भी इंडक्शन प्रोग्राम के सहारे दी जा रही है। इसके तहत फाइटर जेट का एक्सपीरियंस साझा किया जा रहा है। प्रदर्शनी देखने के लिए पहले दिन भारी संख्या में लोग पहुंचे। आयोजन 2 अप्रैल तक चलेगा। लोगों के लिए एक मौका है अपनी सेना के उन तमाम उपकरणों से रूबरू होने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल युद्ध में किए जाते हैं। राजधानी भोपाल के MVM कॉलेज के जो ग्राउंड है वहाँ पे इस वक्त सेना का ये मेला लगा हुआ है, जहाँ पे वो तमाम वेपन्स जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं उनको यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाया गया है। और इन तमाम हथियारों से जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर इसको देख रहे हैं और सभी हथियारों से रूबरू हो रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से टैंक्स को यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाया गया है। ये वो महत्वपूर्ण टैंक्स हैं जो भारत की संस्थान DRDO के द्वारा बनाए गए हैं। इसके अलावा रशिया से मंगाए गए टैंक्स भी यहाँ पर हैं। इन टैंक्स का इस्तेमाल जो थल सेना है वो करती है। इसके अलावा नौसेना के भी जो उपकरण है वो यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाए गए हैं और भारी संख्या में लोग इस प्रदर्शनी को देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं, क्योंकि जब सेना के उपकरणों की बात आती है तो लोगों में भी एक अलग उत्साह इन भारत की सेना के उपकरणों को लेकर रहता है। आप लोग यहाँ डिफेंस सिस्टम या उपकरण देखने के लिए पहुँचे हैं, आर्मी के उन तमाम उपकरणों के बारे में जो हम अक्सर न्यूज़ चैनल में या TV में अखबारों में देखते हैं, कैसा लग रहा है देखकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब देश पर गर्व हो रहा है ये सब देख के। यहाँ पे आप पहुँचे हैं, क्या कुछ देखा है आपने यहाँ पर? फौजी मेला लगा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब जितने भी इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होते हैं हथियार उन सबकी प्रदर्शनी लगी है। मैं अपनी सेना पे गर्व है। देखिए कुछ बच्चे भी यहाँ पर हमारे साथ हैं, वो भी इस प्रदर्शनी को देखने के लिए पहुँचे हैं। NCC में बच्चे अक्सर आते हैं तो सोचते हैं कि हम आर्मी में जाएंगे। आर्मी का ये शौर्य देखकर कैसा महसूस कर रहे हो? सब प्राउड फील हो रहा है कि एक वो मिल रहा है कि हाँ हमारे देश के जो जवान हैं हमारे कुछ कर रहे हैं, चाहे हमें भी हो रहा है कि हम भी देश के लिए कुछ करें। सिर्फ बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो डिफेंस में जाने से थोड़े डरते भी है, पर वो यहाँ आने के बाद वो फीलिंग बाहर हो जाती है, नहीं वो डर बाहर हो जाता है, लगता है कि अब करना है, मतलब करना ही है। एक इंडियन एयरफोर्स का एक अलग ही एक्सपीरियंस हमने देखा, लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं इस मेले में जहाँ नौसेना की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि नौसेना के लिए भी यहाँ पे एक अलग से जो प्रदर्शनी है वो यहाँ पे लोगों को देखने को मिल रही है, जहाँ पे नौसेना के अलग अलग इक्विपमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि नौसेना की बात करें तो समुद्री सीमाओं की रक्षा में नौसेना का ही एक बहुत बड़ा योगदान, या कहें तो पूरी तरह से नौसेना के जिम्मे ही जो जलीय सीमा होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। और किस तरीके से नौसेना देश की रक्षा करती है जलीय सीमाओं पर, उसको लेकर भी आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स है और जो हथियार हैं या शिप्स की बात करें वो नौसेना इस्तेमाल करती है, वो उस तमाम तरह के जो जानकारी और तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स है उसकी एक प्रदर्शनी यहाँ पे इस मेले में देखने को मिल रही है। 4 दिन ये प्रदर्शनी और चलनी है। तीनों सेनाओं प्रमुख की जो बैठक है वो राजधानी भोपाल में होनी है। प्रधानमंत्री भी राजधानी भोपाल पहुँचेंगे। ऐसे में लोगों के पास 5 दिन का ये मौका है जब वो अपने देश की सेना के शौर्य से रूबरू हो सके। राजधानी भोपाल से INS24 न्यूज़ के लिए कैमरामैन विपिन पटेल के साथ गौरव गुप्ता।